अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और वो मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, डिलीट कर देता है, तो आपके व्हाट्सएप से आपके सिस्टम से वो मैसेज डिलीट हो जाता है और आप चाहते हैं कि भाई हम वो मैसेज रीड करें जो उसने भेजा था और डिलीट कर दिया। तो फ्रेंड, इसके लिए आपने ना कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, ना कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है। आपने हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी, वहाँ पे ये कहते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और इसको यहाँ से आप रीड आउट करो, डिलीट मैसेज को रिकवर करो। तो ये फ्रेंड, ये बहुत लंबा काम है और आपको ये बहुत ही आसान ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ कि आपने बगैर किसी ऐप, बगैर किसी सॉफ्टवेयर के आपने मैसेज को रिकवर कैसे करना है। तो फ्रेंड, अब चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ कि आपने मैसेज को रिकवर कैसे करना है बगैर किसी एप्लीकेशन के, बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। तो भाई, ये आ गया अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपको दिखाऊंगा कि आपने, आपके फ्रेंड ने अगर आपको मैसेज किया हुआ है तो वो उसने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो आपने उस मैसेज को रीड कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है। तो आपने अपना व्हाट्सएप चैट ओपन कर लेना है जिस पे आपको आपका फ्रेंड मैसेज कर देगा और डिलीट फॉर एवरीवन कर देगा। तो आपने उस चैट को ओपन कर लेना है, तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा आपको। तो ये मैसेज आया भाई आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो इसे आप डिलीट फॉर एवरीवन हो जाएगा। आपने इसे रीड कैसे करना है, फिर ये भाई आपका मैसेज यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन हो गया। तो अब आपने इसे रीड कैसे करना है ये देखना चाहते हैं, आपके आपके दोस्त ने आपको क्या मैसेज किया था और आपने उसे रीड करना है। तो उसके लिए भाई आपने अपने मोबाइल स्क्रीन के जो अभी लॉन्ग प्रेस करना है मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ पे वाल पेपर्स के साथ विद गेट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आगे जाना है, आपको सेटिंग का एक आइकन नज़र आएगा, आपने उसे स्क्रीन पर ड्रैग कर लेना है। तो ये रहा भाई हमारा नोटिफिकेशन लॉग, तो आपने इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने वो वाला चैट खोलना है जो आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज किया था, आपने उस फ्रेंड का नाम, आपने उस फ्रेंड का नंबर यहाँ से ओपन कर लेना है। तो ये भाई ये रहा भाई जहाँ पे मुझे मैसेज आया था। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड्रॉयड टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको बीच में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डिलीट मैसेज है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि जी जी जो मैसेज था वो यहाँ पे रिकवर हो गया है। आप यहाँ से डिलीट मैसेज डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपको बताई है, बगैर किसी सॉफ्टवेयर, बगैर किसी एप्लीकेशन को यूज़ किए आप डिलीट मैसेज को रिकवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो आपका फ्रेंड डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं तो आप उस मैसेज को यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल दसर टेक्निकल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दी बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।